न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंतिका श्रीवास्तव। महासंग्राम से जुड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी सूची पर मंथन की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली में आज दूसरी सूची पर मंथन होना है, बाकी बची सीटों पर नामों को लेकर चर्चा होगी। थोड़ी ही देर में सीईसी की बैठक शुरू होने वाली है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद दूसरी सूची आने की पूरी संभावना। पहली सूची में कांग्रेस ने 144 नाम रखे, प्रत्याशी की घोषणा हुई। आज इस बैठक में माना जा रहा है कि सारा सामंजस्य बैठा लिया जाएगा, किसी तरह की कोई संशय की संभावना नहीं होगी और उसी के चलते इस बैठक के बाद नामों का ऐलान एक बार फिर से होना संभावित है। बाकी बची सीटों पर नामों को लेकर चर्चा इस बैठक में होनी है। अब से कुछ ही देर बाद सीईसी की बैठक है। राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी और इस मौजूदगी के बीच अगली लिस्ट को लेकर, कुछ और नामों को लेकर, प्रत्याशी के चयन को लेकर मंथन होना है और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है। 144 नाम पहले से ही घोषित किए जा चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आने वाले समय में कुछ और ऐसे नाम हैं जिन पर संशय की स्थिति पहले थी। थोड़ी ही देर में सीईसी की बैठक और इस बैठक को सार माना जा रहा है इस चीज का कि जो लास्ट में जितने भी नाम फाइनलाइज होने हैं उसे लेकर अंतिम बार चर्चा इस बैठक में होनी है, ये कहा जा रहा है। हालांकि मंथन का दौर कितना आगे चलता है, क्या कुछ और समय लगेगा, ये चीजें बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। कुछ ऐसी सीटें हो सकती है जिसमें सामंजस्य की स्थिति हो सकता है कि बड़े नेता जब बाला नेता आपस में बैठे तो चर्चा इस चीज को लेकर हो कि किसे टिकट दिया जाना चाहिए। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी सर्वे की रिपोर्ट गई थी और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे नाम जिन पर संशय था, धीरे धीरे स्थिति साफ होती हुई नजर भी आ रही है। दूसरी सूची पर हालांकि मध्य प्रदेश में मंथन कांग्रेस के बीच भी हुआ और दिल्ली में सीईसी की इस बैठक के बाद निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। इस बैठक के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि दूसरी लिस्ट आखिर कब तक आती है। चलिए और ज्यादा विस्तार से हम चर्चा करेंगे, दिल्ली में क्या हालात है ये भी समझेंगे, भोपाल में क्या स्थिति है ये भी समझ लेंगे। सहयोगी अशरफ काजमी दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं, शैलेन चौहान है भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, सबसे पहले आपकी ओर करना चाहूंगी, ये माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होनी है सीईसी की, क्या कुछ हलचल इससे लेकर? देखिए, अभी कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान को लेकर सीईसी चल रही है, जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर जो मध्य प्रदेश के नेता हैं वो आएंगे, उनका वो लोग अपना मंथन करेंगे। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और आज की जो बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि करीब 84 सीटों पर आज अंतिम मोहर लगाने की बात की जा रही है और ये जो 84 सीटें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई ऐसे विधायक हैं जिन पर तलवार भी लटक रही है, उनके टिकट कट सकते हैं। तो कुछ इस जो सीटें हैं जहां पर विधायकों का कट सकता है टिकट और दूसरा ये कि उन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, सर्वे में उनके जो रिपोर्ट है वो भी निगेटिव आई है। तो ये सब पैमाने हैं जिनको लेकर बातचीत की जा रही है कि जिनके विधायक हैं उनके टिकट कटेंगे। अब आज की चर्चा के बाद जब मंथन हो जाएगा उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि क्या करना है। अगर सब कुछ सहमति बन गई सभी 84 सीटों पे, कहीं कोई पेच नहीं फंसा, क्योंकि अभी तक जो जितनी सीईसी हुई हैं उसमें कहा जा रहा है कि एक से ज्यादा अगर नाम यानी पैनल बनते हैं तो उसको आप कम कीजिए, एक ही नाम को चुनिए। तो अगर आज की सीटों पर एक राय से सभी सीटों पर एक एक उम्मीदवार का नाम फाइनल हो जाता है तो फिर उम्मीद करते हैं कि जो सूची है वो देर रात को या कल तक आ सकती है। और समय अगर अशरफ अभी लग सकता है, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, लेकिन शैलेंद्र की ओर भी रुक करना चाहूंगी, भोपाल में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल में आप हलचल देख भी रहे हैं शैलेंद्र, मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो स्थिति है वो अभी कहीं ना कहीं ऐसी है कि जो हाल तेरा वो हाल मेरा, क्योंकि पांचवी सूची में भी ये माना जा रहा है कि विधायकों की टिकट कट सकते हैं बीजेपी में, कांग्रेस में भी कुछ इस तरह की हलचल जिस तरह से अशरफ बता रहे हैं, कुछ विधायकों पर तलवार लटकी हुई है।
देखिए बिल्कुल कांग्रेस में बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो पहले प्रत्याशी घोषित हुए पहली सूची में, उसके बाद ये बात सामने आई थी कि एक कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया था, तो उसमें उन्होंने कुछ टिकट को लेकर कहा था कि वो मतलब वो चाहते किसी और को थे, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आज जो दिल्ली में बैठक होना है उसमें मध्य प्रदेश के उस मुद्दों पर भी बात होगी, जो कि पहली सूची में 144 प्रत्याशी घोषित हो चुके, उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे कि केपी सिंह बड़े नेता है, उनको वहां पिछोर से शिफ्ट करके यहां पर टिकट दे दिया गया था शिवपुरी में, तो शिवपुरी में जब उनके टिकट की घोषणा हुई उसके बाद उनके समर्थकों ने विरोध किया, जो विधायक कांग्रेस से भाजपा से कांग्रेस में आए थे उनको लेकर विवाद आया वीरेन रघुवंशी को, कि कमलनाथ ने कहा था कि हम आपको टिकट देंगे, तो एक अजीब सी स्थिति अभी आज जो है स्थिति स्पष्ट होगी कि केपी सिंह का क्या टिकट बदला जाए, तो इसे कई बड़े चेहरे हैं कांग्रेस में जिनके टिकट वापस से बदले जा सकते हैं, इसी संभावना अब लग रही है, क्योंकि कल ये संकेत मिले थे कि कमलनाथ दिग्विजय एक मंच पर आए, दोनों ने कहा कि हमारी पुरानी दोस्ती है, और उसके बाद ये संकेत मिले कि कहीं ना कहीं बड़े दोनों नेता हैं, इनके बीच आपस में चर्चा हुई है, और ये तय हुआ है कि कुछ चेहरों पर जिन सीटों पर लेकर विवाद की स्थिति है उन नामों को वापस से विचार किया जाए, तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली में सभी मुद्दों पर चर्चा होना तय है कि जो टिकट घोषित हो चुके उनमें भी कुछ परिवर्तन हो, कुछ बदला जाए। इसके अलावा जिस तरह की बड़े नेताओं में थोड़ा सा मतभेद सामने आए, उन मतभेद को थामने को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि कल जब कांग्रेस का वचन पत्र होना था तो उसमें रणदीप सुरजेवाला नहीं थे, जबकि उनका होना बैठक में तय था, अचानक से वो दिल्ली चले गए, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व आप उठा रहे हैं यहाँ पर, आप बने रहेगा शैलेंद्र हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करने वाले हैं, अशरफ आप भी हमारे साथ जुड़े रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह की स्थिति हमारे दोनों ही सहयोगी बताते हुए कि परिवर्तन को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी लिस्ट को लेकर मंथन की स्थिति देखने को मिल रही है, आज या कल बीजेपी की लिस्ट भी आ सकती है, 30 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, यह खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि इसी तरह की आशंकाएं बीते लंबे समय से चलती आ रही है, पांचवी सूची ऐसी होगी जिस पर बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने टक्कर होगी, और इसी के मद्देनजर बीजेपी अपने सबसे प्रबल दावेदार को चुनावी मैदान में उतारना चाहेगी। पांचवी लिस्ट का इंतजार जल्द खत्म होगा ऐसा माना भी जा रहा है, 136 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं, स्टार प्रचारकों के नाम भी अब लगभग तय माने जा रहे हैं, यानी कि ना सिर्फ लिस्ट पर मंथन बल्कि अब प्रचार प्रसार पर भी जोर देने पर बीजेपी का फोकस है, स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे इस बात का ऐलान भी जल्द से जल्द हो सकता है, कुछ राजनीतिक चीजें हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे दो सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र और अशरफ लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, अशरफ बीजेपी की स्थिति भी जरा समझाइएगा, कांग्रेस में हमने देखा मंथन चल रहा है, पांचवी सूची का इंतजार मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से भी है, क्या कुछ बताती है ये बातें फिलहाल? देखिए बीजेपी की भी स्थिति बहुत अलग नहीं है, यहाँ पे भी कल रात में करीब 5 घंटे से ज़्यादा तक लंबी एक मैराथन बैठक हुई, मुख्यमंत्री उसमें मौजूद थे, अमित शाह थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा थे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम जो बड़े नेता हैं, संगठन मंत्री हिदानंद शर्मा, तो उन्होंने भी अपनी जो बची हुई 96 सीटें हैं उन पर एक लंबी चर्चा की और सीट वार वहां पे दावेदारों को लेकर चर्चा की गई है। अमित शाह ने एक एक उम्मीदवार के बारे में बात की है कि वो क्या है, उनकी मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, उनको उतारते हैं तो संभावित जो विपक्ष का यानी कांग्रेस का कौन उम्मीदवार हो सकता है, इन सब बातों पर चलिए बहुत बारीकी से मंथन किया गया और कई ऐसे जो सूत्र बता रहे हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो मौजूदा विधायक हैं उनकी परफॉर्मेंस से राष्ट्रीय आलाकमान नाखुश है, तो इसका मतलब ये है कि उनको अब दोबारा चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा, तो उनकी जगह नए चेहरे जो युवा चेहरे हैं उनको मौका दिया जाएगा, तो वहां पर भी यही स्थिति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों इंतजार कर रहे हैं कि पहले अपने पत्ते कौन खोले, क्योंकि बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी अब जो सूची आएगी वो निर्णायक सूची होगी, वही सूची तय करेगी कि आप कितनी नज़दीक सत्ता के पहुंच रहे हैं, सत्ता की दहलीज पर कितने नज़दीक पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर किसी एक का भी गलत फैसला तो इनको वापस फिर से विपक्ष में बैठाने को मजबूर कर देगा, तो इस ये गलती ना हो और सत्ता भाजपा के हाथ से ना निकले, या ये दूसरी तरफ कहा जाए कि कांग्रेस सत्ता में वापसी की
कोशिश उसकी नाकाम ना हो जाए, इसलिए बैठके का दौर जारी है और गहन मंथन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार की जा रही है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं कि पहले अपने पत्ते कौन खोले तो उसका इंतजार करें। अगर बीजेपी लिस्ट जारी आज यही कुछ चर्चाएं हैं जो कि बीजेपी विधायकों की या कांग्रेस विधायकों की भी कह सकते हैं धड़कनें बढ़ाए हुए हैं। बीजेपी में फिलहाल भोपाल में क्या गतिविधियां चल रही हैं, शैलेंद्र हमें विस्तार से जानकारी देंगे। शैलेंद्र, क्या माना जा रहा है, आज या कल में लिस्ट आ सकती है, इस तरह की चर्चाएं भी हैं, फिर ये भी कहा जा रहा है विधायकों के टिकट कटेंगे, क्या हालात वहां पर? हाँ जी बिल्कुल, देखिए भाजपा की सूची आज या कल में आना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अब केवल 29 दिन बचे हैं मतदान होना है, तो उसके दो तीन पहले से प्रचार का शोर थम तो बड़ा अब समय कम बचा है, तो भाजपा की पूरी एक्सरसाइज कल जो पूरी हो चुकी है, ऐसा माना जा रहा है कि अभी इस सूची में जो 9 मंत्री हैं जिनके पहली लिस्ट में नाम नहीं थे, तो अब उन मंत्रियों का क्या होगा ये बड़ी चिंता की बात है। वो भाजपा में भी वो मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कि उनके टिकट नहीं कटे। इसके अलावा 66 सिटिंग एमएलए हैं जिनके नामों को भी होल्ड किया गया था, तो अब सब ये स्थिति साफ हो जाएगी एक दो दिन में। तो बड़ी अभी तक भाजपा ने बड़ी नपीतुली सूची निकाली, जो चारों सूचियां थी उसमें इस बात का ध्यान रखा था कि कम से कम विरोध हो और बिना किसी विरोध के सब प्रचार भी शुरू हो जाए, लेकिन अब जो सूची आना है ये बड़ी हॉट सूची होगी। इसमें कई बड़े चेहरे जिनके टिकट कटेंगे तो बवाल होगा, विरोध होगा, तो अब बड़ा नजदीक समय आ चुका है। दूसरा, भाजपा इस बात का भी ध्यान रख रही है कि कांग्रेस के जो 144 प्रत्याशी उसमें कई बड़े नेता नाराज हैं, जैसे कि आज बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, हम बता रहे हैं आपको कि आज कुछ कांग्रेस के बड़े नेता जो जिनके विधायक टिकट कटे गए वो आज भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा नाम आ रहा है कि जो पूर्व विधानसभा स्पीकर जो एनटी प्रजापति हैं उनको आज ज्वाइन कराया जा सकता है, भाजपा से वो लगातार संपर्क में है। ऐसे ही पन्ना में शिवदयाल बागरी जो विधायक थे उनका टिकट कांग्रेस ने काट दिया, आज वो भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भाजपा में भोपाल में बड़ा हलचल होने वाली है। कांग्रेस के सारे नेता तो दिल्ली में है, लेकिन उनके कुछ बड़े चेहरे आज भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। भाजपा में इस तरह की तैयारी जोरों पर चल रही है और आने वाले एक दो घंटे में हम आपको बताएंगे कि कुछ बड़े चेहरे जो कांग्रेस के थे वो आज भाजपा में आ गए। तो आज भोपाल में भी बड़ी उथल पुथल का दिन है, तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक आज ज्वाइनिंग नेताओं के आने जाने का दल बदल का सिलसिला भी चलता रहेगा। ये बहुत बड़ी खबर आप शैलेंद्र हमारे साथ साझा करें, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ। फिलहाल जानकारी के लिए शैलेंद्र आप बने रहेगा, विस्तार से जानकारी इस खबर पर दे देते हैं। शैलेंद्र इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भोपाल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है, दो विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को लेकर जानकारी, बीजेपी में शामिल होने के पूरे आसार, कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने। आपको बताएं कि एक तरफ कांग्रेस में लिस्ट का ऐलान हो रहा है, उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ नाराज नेता जो कि दल बदल शुरू कर चुके हैं बीजेपी में शामिल। हाल ही में कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, पन्ना और गुन्नौर से कांग्रेस विधायक शिव दयाल बागरी बीजेपी का दामन थामने के लिए पूरी तरह से तैयार, इस तरह की आशंकाएं हैं कि जल्द से जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। बागरी का टिकट भी काटा ही गया है, यही नाराजगी जिसकी चिंता लगातार बनी हुई है। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे कि अगर नाराज होते हैं नेता तो उसके बाद निष्कर्ष ये निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही स्थिति है मध्य प्रदेश का, ये जो चुनाव है ये दल बदल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव रहने वाला है। आप देखिए कि इस बार पहली बार ये नजारे देखने में आ रहे हैं कि कांग्रेस से भाजपा में बड़े नेता जा रहे हैं, भाजपा से कांग्रेस में जा रहे हैं। पिछले तीन साल पहले जब ये वर्ष 2020 में जब सिंधिया खेमे के विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, उसके बाद से मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य हो गया जहां बड़ी संख्या में नेता पार्टी छोड़कर इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी रोज हम आपको बताते हैं कि कुछ ना कुछ बड़े चेहरे इधर से कांग्रेस से भाजपा में आते हैं, भाजपा से कांग्रेस में जाते हैं, फिर तीसरा विकल्प है बसपा, कई नेता बसपा में जा रहे हैं, वहां से टिकट ले रहे हैं। ऐसा ही रसाल सिंह भाजपा के पूर्व विधायक थे, उन्होंने कल बसपा की सदस्यता ले ली। आज बड़ी सूचनाएं मिल रही है कि जो एनपी प्रजापति स्पीकर रहे विधानसभा के कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में, आज वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं, इसकी जोरों पर तैयारी है। इसके अलावा शिवदयाल बागरी जो पन्ना से विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया था, वो भी भाजपा में जा सकते हैं। इसके अलावा दो पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के नाम भी चल रहे हैं, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी का नाम भी आ रहा है। तो ऐसे कई चौंकाने वाले चेहरे कांग्रेस से बीजेपी में आ सकते हैं,
तो लगातार इसको लेकर चर्चा है कि भाजपा ऐसे लोगों से संपर्क में भी है और आने वाले एक दो दिन में भी आपको कुछ बड़े चेहरे भाजपा में आते दिखाई देंगे। चलिए, बताता भी है कि स्थानीय जो नेता हैं लगातार स्थिति को भांपने की भी कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर शैलेंद्र, हमने देखा है दल बदल का दौर शुरू हो जाता है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन इस बार ऐसा असमंजस है क्योंकि किसी को नहीं पता है किसकी सरकार बनने वाली है, किसी तरह का कोई अनुमान भी नहीं चल रहा है। हो सकता है इस बार सब कुछ फेल हो जाए, इसीलिए इतनी सारी भागदौड़ कि बीजेपी में जा रहे हैं आधे, कांग्रेस में जा रहे हैं आधे, बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी तक कम से, ये पहले ही होता आता था कि अगर कोई कांग्रेस से नेता भाजपा में आ रहा है तो देखा जाता था कि वो पार्टी की रीति नीति के पर सही चलता पाएगा या नहीं, वो कितना साथ दे पाएगा। और कांग्रेस भी ये करती थी कि भाजपा के नेता को अगर शामिल करना है तो पहले कोई एक क्राइटेरिया होता था, लेकिन इस चुनाव में सारे क्राइटेरिया टूट गए हैं। अब ये नहीं देखा जा रहा है कि किसे शामिल कराना है या किसे नहीं, उन्हें तो लग रहा है कांग्रेस से भाजपा में बड़ा नेता है उसे शामिल करा लिया जाए। यही स्थिति कांग्रेस की भी है, भाजपा कोई नेता संपर्क करता है कि मुझे उधर टिकट नहीं मिल रहा है, मुझे आप ले लीजिए पार्टी में, तो कांग्रेस ज्वाइन करा लेती है। तो ये दल बदल का सिलसिला तो अभी और तेज होगा क्योंकि चुनाव बड़ा कांटे का है इस बार, बहुत ही टक्कर नजदीकी है। लगातार ये बात सामने आ रही है कि चुनाव बहुत कसमकस वाला है, तो कोई भी पार्टी मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि कोई भी ऐसा बड़ा नेता अगर आता है तो उसके, क्योंकि ये माना जा रहा है कि साइकोलॉजिकल एक फायदा मिलता है, ये एक मैसेज जाता है कि देखिए कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं, मतलब भाजपा की सरकार आ रही है। इसी तरह कांग्रेस भी मान के चलती है कि पॉइंट्स है जो कि इन चुनावों को दिलचस्प भी बनाती है क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं आगे क्या कुछ होना है। बहुत शुक्रिया आपका चैलेंज, फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों की ओर हम रुख करेंगे। भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों पर पैनी नजर है जो कार्रवाई के तौर पर भी नजर आती है। मीडिया और उम्मीदवारों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, 30 कर्मचारी 24 घंटे मीडिया पर नजर रख रहे हैं, प्रचार प्रसार पर निगरानी रखी जा रही है। मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन सेल गठित किया जा चुका है और यही सेल अब लगातार काम करता हुआ। आचार संहिता लग चुकी है, कहीं भी कोई चूक ना हो, कोई लापरवाही ना हो, ये जिम्मेदारी आयोग पर होती है और उसी के चलते टीमें पूरी तरह से मुस्तैद। निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों पर पैनी नजर और यही नजर चुनावों तक बरकरार रहने वाली है। मुरैना की बात कर लेते हैं जहां पर मारपीट खून खराबा आम सी बात हो गई है। यहां से आए दिन मारपीट की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। एक बार फिर से नूराबाद थाना क्षेत्र के चौखूटी गांव में ऐसा ही मामला सामने आया। जमीन बंटवारे के मामले को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हुआ, दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता हुआ, पुलिस ने अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है, किसी तरह की पहचान नहीं हुई है। ये वीडियो हालांकि संज्ञान में है, हो सकता है आगे कार्रवाई। और बात करेंगे उज्जैन की, जहां आगामी चुनाव और नवरात्र को लेकर शक्ति मार्च निकाला गया है। पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया। मात्र शक्ति और नारी शक्ति द्वारा शहर की महिलाओं बालिकाओं को सशक्त बनाने और आम जनता को आगामी चुनाव में महिला पुलिस की तैयारियों का संदेश देना कोशिश थी। और आज माँ शारदा की भक्ति का चौथा दिन है, ऐसे में भक्तों की भीड़ दुर्गा मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मैहर माँ शारदा देवी का चतुर्थी पर भव्य श्रृंगार हुआ। कुष्मांडा स्वरूप में माँ को सजाया गया और उस दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। कहता है वोटर की टीम पहुंची है जबलपुर के पूर्व विधानसभा सीट पर। अब ये नहीं मालूम कौन जीतता कौन हारता, आदमी परेशान है 9-10 साल से भाई, और सब कुछ चूरन दे रहे हैं। और तुम्हारे से ये औरतों को भी ये दूंगा वो दूंगा, कांग्रेस वाले भी जनता पार्टी वाले भी, कहाँ मिल रहा किसी को? वालों का नहीं मिल रहा पैसा, अरे किसी का कुछ नहीं मिल रहा बड़े भैया। बस पूरा विकास हो, ट्रैफिक अच्छा हो जाए, स्कूलों में शिक्षा अच्छी हो जाए, थोड़ा ईमानदारी आ जाए। ट्रैफिक की समस्या है जबलपुर के अंतर्गत, ट्रैफिक की समस्या है, कुछ हॉस्पिटलों की आवश्यकता है।